तो हम लोगों ने पानी पूरी खा लिया है। अब मैं विशाल से ये पूछना चाहूंगी कि पानी पूरी कैसा था। बहुत अच्छा। ओके, पहले मैं टीवी को म्यूट कर देती हूँ। तो पानी पूरी बहुत अच्छा था, है ना? तो अब बर्तन कौन धोएगा? हम। ठीक है फिर। हम लोग ऊपर से खेल कूद कर एंटरटेन करके अपने बच्चे को आ चुके हैं नीचे। चाय वाय पी लिया है। चाय मैंने नहीं पिया, थोड़ा सा दूध था, दूध वाला पहुंचा नहीं था इस वजह से, तो मैंने नहीं पिया, इन्होंने चाय पिया। चाय बाबू भी खाई और बाबू बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पूरे दिन में, उसने बिल्कुल नैप नहीं लिया था, तो वो सो गई मज़े से खाकर, और मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ खाया। और अभी बच चुके हैं 7:30। तो मैं अपने पति से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। क्या आप लॉकडाउन से बोर हो गए हैं? एक्सट्रीमली बोर हो गए हैं? मेरे पास आपके लिए कुछ फन है, कुछ एंटरटेनिंग चीज मैंने सोचा हुआ है, तो लॉकडाउन में थोड़ा सा आपका मन लग जाए। ठीक है, ये तैयार है? तो चलो, इनके लिए मैंने क्या सोचा हुआ है, इनके ये क्या बना रही थी सुनो? कल पड़किया बनाने के बाद, मतलब पड़किया, हमारे पड़किया बोलते हैं, बहुत जगह गुजिया भी बोलते हैं, तो गुजिया ही कह लो। कल गुजिया बनाने के बाद हम सब सो चुके थे, मतलब बाबू की पहले सो गई थी, हम लोग भी सो गए। उसके बाद आज है नेक्स्ट इवनिंग, तो आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पा। मैं कोई आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आज मेरा एक्चुअली आज नहीं, मेरा बहुत दिन से मन था गोलगप्पा खाने का। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मैंने इमली का पानी तैयार कर लिया है। ये इमली मैंने फ्रेश इमली से तैयार किया है, मीन्स पेस्ट से नहीं। और उसके बाद मैंने प्याज चॉप कर लिया, मैंने इसमें जीरा जो कि मैंने रोस्ट किया था उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया है, और इसमें एक रेड चिली भी है, सूखी हुई लाल मिर्च, उसे भी मैंने गैस पे ऐसे ही पका कर साथ में इसके ग्राइंड कर लिया है। तो इसमें मैं पानी तैयार करूँगी इस पेस्ट से, और प्याज है आलू की चटनी के लिए, और पानी पूरी मेरे पास गोलगप्पा ये वाला है, इसे मैं जस्ट डीप फ्राई करूँगी, तो मेरी मेहनत बच जाएगी, मुझे वैसे ही बनाना पड़ेगा, मैं सीधे इसको फ्राई कर लूँगी। और दिखाती हूँ कैसे कैसे मैं क्या क्या करने वाली हूँ। इसमें आलू है जो कि अभी गर्म है,
इसको मैं हटा देती हूँ, पानी फिल्टर कर लेती हूँ। तो मैं नॉर्मल आर ओ का पानी ले रही हूँ, ठंडा पानी ले रही हूँ, मैं ठंडा वाला नहीं बनाने वाली, और विशाल को ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद, इस वजह से खट्टा भी थोड़ा कम ही रखती हूँ। थोड़ा सा मैंने 3-4 स्पून वो वाला पानी लिया है जो मैंने दुर्गा पूजा में तैयार किया था। अब इसमें आलू को मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ही मैश कर रहे हैं इसको, हल्का हल्का ही, मतलब हल्के से मैश कर रहे हैं इसको। तो हो चुका है रात, पौने 9 हो चुके हैं, हम लोगों ने शाम का गोलगप्पा रात को खाया है। तो मैं जा रही हूँ वीडियो को एडिट करने, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए है। ये मैं जस्टिन से ऐसे ही पूछ रही थी, जस्ट मजाक कर रही थी। बर्तन सारा मैंने धुल लिया है, किचन वगैरह क्लीन कर दिया है, सारा काम मीन्स हो चुका है मेरा। रोटी है बाबू खाएगी, तो ऑब्वियसली बात है अभी वो जगने वाली है, दोपहर में उसने 2 घंटे का नैप लिया है। मैं जा रही हूँ उस वीडियो को एडिट करने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। बाय बाय। अर्चना गोलगप्पा ये एक्चुअली ब्रश करके आई है, इस वजह से शो कर रही है अपने जीत को। गोलगप्पा कैसा था, पानी पूरी कैसा था, कैसा था? यम्मी।